أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Hinanara teacher HS Kaslu delivering lecture for class 5th subject is English date is 16th August 20 and the topic is again the grammar that is conjugation of verbs इसका एक पार्ट मैंने आपको परसों भी पढ़ाया के लेक्चर में पढ़ाए मैंने आपको वो बुक में दिया गया था जो आपके बुक में मतलब क्वेश्चन से वो मैंने आपको बताया आज मैं उसी के एवज़ में आपको कुछ और पॉइंट्स की प्रेजेंट पास्ट और पार्टिसिपल जो है कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं वो बताऊंगी तो पिछले टेबल में मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको दिखाऊँगी वो जस्ट अ मिनट दिस वन ये जो है ये मैंने आपको परसों पढ़ाया है तो इसी की वजह में आज मैं आपको कुछ और ये वर्ड्स के थ्री फॉर्मर्स बताऊंगी जिसको हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स भी कह सकते हैं फर्स्ट इज हियर प्रेजेंट दिया है एड तो इसका जो पास्ट है वो एडेड आएगा एंड पास्ट पार्टिसिपल भी एडिड आएगा सेकेंड इज सेकेंड वर्ड जो है दैट इज़ ऑस्कर्ड पास्ट में दिया गया है तो इसका जो प्रेजेंट है वो आस्क आएगा थर्ड फॉर्म जो है द पास्ट पार्टिसिपल दैट इज ऑस्कर्ड अगेन अनदर पॉइंट इज बीन तो बीन पास्ट पार्टिसिपल में दिया गया है तो इसका जो प्रेजेंट है दैट इज बी एंड पास्ट जो है दैट इज वॉज बी वॉज बीन ठीक है देन इट इज पास्ट में अनदर वर्ड जो है दैट इज बिकैम सो इसका जो प्रेजेंट आएगा दैट इज बिकम एंड जो थर्ड फॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो बिकम पास्ट पार्टिसिपल देन बिगिन इसका जो देन बिगिन प्रेजेंट में दिया गया है पास्ट जो है दैट इज बिगैन And the third form that is past participle that is begun. आपको समझ आ रहा है उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा Then another word is broke, past में है तो इसका जो present है that is break. And जो third form है that is broken. Then helped है past participle है तो इसका जो present है that is help. जो पास्ट है दैट इज हेल्पड एंड पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो हेल्पड अनदर वर्ड इज जम्पड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन इसका जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज जम्प सेकेंड इज जम्पड एंड थर्ड इज ऑल्सो जम्पड देन अनदर वर्ड इज लुक लुक इज प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन सेकेंड फॉर्म इज लुकड Third is also looked. Then keep in first form of the verb present, second form verb kept, third is also kept. Another word is liked, that is second form of the verb and सॉरी इसका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज लाइक थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लाइकड ओके देन अनदर वर्ड इज लॉफड तो इसका फर्स्ट फॉर्म इज लॉफड ठीक है देन बिल्ट इज इन सेकेंड फॉर्म इसका जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज बिल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बिल्ड देन अनदर वर्ड जो है दैट इज कम इसका जो सेकेंड फॉर्म है कैम थर्ड फॉर्म इज अगेन कैम देन अनदर वर्ड इज कट फर्स्ट फॉर्म इज ऑल्सो कट सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो कट एंड third form that is past participle is also cut
तो ये है आज का आपके लिए टॉपिक, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और इसको अच्छे से याद भी करना। तो इंशाल्लाह जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, हम स्कूल आएंगे, तो मैं आपसे ये सुनाऊंगी आपको। ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, अच्छे से लिखने चाहिए आप अपनी इस नोटबुक पे। तो मैं ये अच्छे से आपको चेक भी उस दिन करूंगी और आपसे सुनाऊंगी भी, तो आप इसको अच्छे से लर्न करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।